हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल सी वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर एट स्विच। तो पहले तो हम एनालिसिस कर देंगे एंड देन वी विल सी द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ ट्रांजिस्टर एज स्विच। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि ट्रांजिस्टर हम लोग एम्पलीफिकेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, बट अभी ये स्विच जैसे ऑपरेट हो रहा है, दैट मीन्स इफ यू अप्लाई लॉजिक वन या यू कैन से हाई वोल्टेज, देन द आउटपुट विल बी, ये आपका इनपुट रहेगा एंड आउटपुट विल बी लॉजिक जीरो और यू कैन से लो वोल्टेज। और अगर लॉजिक जीरो दे दिया है तो आपको लॉजिक वन मिलेगा। सो बेसिकली ये ट्रांजिस्टर इन्वर्टर जैसा ऑपरेट होता है। सो ये डायग्राम में जो थंबनेल है उसका डायग्राम में देखिए, ये स्विच जैसा ऑपरेट होने वाला है ट्रांजिस्टर एंड यू आर अप्लाइंग दिस एज अ इनपुट। सो वेन एवर द इनपुट इज लो, यू विल गेट द आउटपुट एट द कलेक्टर वोल्टेज एज हाई, और अगर हाई वोल्टेज है तो इधर आपको लो वोल्टेज मिलेगा। तो कैसे ऑपरेट होता है तो देखते हैं। तो इधर ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आपको अगर शॉर्ट नोट आ गया तो आप ये लिख सकते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज नॉट ओनली लिमिटेड, और यू कैन से इज नॉट लिमिटेड सोलली टू द एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, बट अगर आपने प्रॉपर डिजाइन कर दिया देन ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज अ स्विचेस, मतलब ऑन ऑफ फॉर कंप्यूटर एंड कंट्रोल एप्लीकेशन। द नेटवर्क शोन कैन बी एम्प्लॉयड एज एन इन्वर्टर इन कंप्यूटर लॉजिक सर्किटरी। द आउटपुट वोल्टेज VC, हाँ ये देखो, ये ध्यान में रखे, आउटपुट ऑफ VC कलेक्टर वोल्टेज इधर मेजर करे, सो बिटवीन धिस टर्मिनल और यू कैन से कलेक्टर टर्मिनल एंड ग्राउंड, और इनपुट किधर दे रहे हैं, सो बिटवीन धिस टर्मिनल एंड ग्राउंड। और आपको ये स्क्वायर वेव अप्लाई करने का है। इधर एक सैम्पल बेसिस के लिए मैंने इधर दिखाया कि 5 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई किया गया है, आप 10 वोल्ट 15 वोल्ट सिग्नल भी अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको VCC भी डिजाइन करना पड़ता है एंड यू हैव टू डिजाइन द वैल्यू ऑफ RB एंड RC। तो डिजाइन प्रोसीजर कैसा है वो अभी देख लेते हैं। डिजाइनिंग के लिए, स्विचिंग ऑपरेशन के लिए, आइदर यू हैव टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ रीजन। अभी कट ऑफ रीजन किधर आ गया, तो ये देखो, ये कॉमन एमिटर के कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉमन एमिटर हम लोगों ने देखा है, इधर कॉमन एमिटर की क्यों बात कर रहा हूं मैं, इनपुट किधर है, बेस पे, आउटपुट किधर से ले रहे हो, कलेक्टर से, तो कौन सा मोड हो गया, रादर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉमन एमिटर। सो कॉमन एमिटर में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या रहता है, आउटपुट करंट IC ओवर हियर वर्सेस आउटपुट वोल्टेज, दैट मींस VC ओवर हियर, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़े। ये जो ब्लैक लाइन है वो क्या है, यस करेक्ट, दैट इज नथिंग बट DC लोड लाइन। सो इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक, और ये किसके वैल्यू है, तो ये है IB के वैल्यू। इनपुट करंट आप कॉन्स्टेंट रखते हैं, दैट डिटरमाइंस योर क्यू पॉइंट। सपोज आपने 30 माइक्रो एम्पियर सिलेक्ट किया, सो क्यू पॉइंट विल बी ओवर हियर। बट अभी आपको ट्रांजिस्टर कैसे यूज करने का है, यू हैव टू ऑपरेट इट एज अ स्विच। तो स्विच के लिए आइदर यू हैव टू वर्क द ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ रीजन और इट शुड बी इन सैचुरेशन रीजन। ओके, तो स्विचिंग इधर से लेके इधर तक होना चाहिए, इधर से लेके इधर तक सडनली होना चाहिए। अभी आप इनपुट साइड पे क्या अप्लाई करने वाले हैं, तो स्क्वायर पल्स अप्लाई करने वाले। लेट से आपने 5 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो अभी अपने को एनालिसिस करने का। सो वेन योर इनपुट वोल्टेज VI इज इक्वल टू 5 वोल्ट। सो अगर ये 5 वोल्ट इधर दे देते हैं, नेचुरली ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस एमिटर जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अगर बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा आपका ऑन, और ये ऑन ऐसा होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर विल गो इन सैचुरेशन बिकॉज देयर विल बी अ लार्ज करंट। अगर लार्ज करंट इधर से जा रहा है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ IC विल बी वेरी हाई। अगर IC का वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स यू आर ऑपरेटिंग एट धिस पॉइंट, और ये किधर के रीजन का है, सैचुरेशन रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। सो IC का वैल्यू क्या हो जाएगा, IC सैचुरेशन। ये सफिक्स इधर ऐड किया गया है टू इंडिकेट्स दैट नाउ द करंट इन द ट्रांजिस्टर इज एट सैचुरेशन लेवल। सो यू अप्लाई KVL ओवर हियर। अगर आप इधर KVL अप्लाई करते हैं तो कैसे हो जाते हैं, देखो VCC इधर से जाने वाला करंट है IC, मैं इन जनरल पहले लिख रहा हूँ, IC इंटू RC हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, एंड देन यू विल हैव वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस कलेक्टर एमिटर। सो माइनस VCE इज इक्वल टू 0। अभी IC का वैल्यू क्या है, IC सेट। अगर IC का वैल्यू IC सेट है तो VCE का वैल्यू तभी क्या है, तो VCE का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है। सो ये मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, वेन IC इज इक्वल टू IC सेट, VCE इज इक्वल टू 0। सो ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, VCC, IC का वैल्यू हो जाएगा IC सेट, इधर आ जाएगा RC, माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो आपको IC सेट का वैल्यू मिल गया और वो रहेगा आपका VCC बाय RC। या फिर आप बोल सकते हैं कि RC आपको ऐसा सिलेक्ट करने का है कि ये आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में ऑपरेट हो।
अगर आरसी का वैल्यू आप हाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आईसी सेट कम हो जाएगा, देन योर ट्रांजिस्टर मे नॉट बी ऑपरेटिंग इन सेचुरेशन रीजन। सो ये डिजाइनिंग के लिए ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईसी सेट इज इक्वल टू वीसीसी बाय आरसी। अभी जब भी आईसी सेट इधर है, करंट ये फ्लो हो रहा है, अभी देखो ये ट्रांजिस्टर ऑन ही है, तो बेस करंट का क्या वैल्यू रहेगा, सो बेस करंट का वैल्यू रहेगा आईसी सेट बाय बीटा। और ये जो वैल्यू आईसी सेट बाय बीटा, इससे एक्चुअली आपका बेस करंट ज्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज विच कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव टू सिलेक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या आप 40 माइक्रो एम्पियर सिलेक्ट कर रहे हैं, या 30 माइक्रो एम्पियर सिलेक्ट कर रहे हैं, या 60 माइक्रो एम्पियर सिलेक्ट कर रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो आरसी के ऊपर। कैसे आरसी के ऊपर डिपेंड है, आपने वीसीसी आरसी बन सिलेक्ट कर दिया तो उसके बाद आईसी सेट फिक्स हो जाएगा। आपको आईसी सेट बाय बीटा कैलकुलेट करने का है, आईसी सेट बाय बीटा से आपको क्या पता चलेगा कि आईबी का क्या वैल्यू होना चाहिए, तो आपको प्रॉपरली आईबी का वैल्यू सिलेक्ट करने को आना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन वेयर यू हैव टू इंश्योर दैट आईबी एक्चुअल, कोई कोई टेक्स्ट बुक में इसको आईबी एक्चुअल करके लिखा है, आईबी एक्चुअल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आईसी सेट बाय बीटा। तो डिजाइन में हम लोग ये इक्वेशन और ये इक्वेशन यूज करने वाले हैं। सो अभी वी आई इज इक्वल टू 5 वोल्ट होता है, दैट मीन्स लॉजिक वन अप्लाई करते हैं तभी क्या आता है वो बता दिया है। अच्छा, इसमें आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, सो आउटपुट तो आप वीसी के इधर मेजर कर रहे हैं, सो इफ यू अप्लाई के वी एल ओवर हियर, देन व्हाट विल हैपन, वीसीसी माइनस आईसी आरसी माइनस वीसी इज इक्वल टू 0, और वीसी मेरा आउटपुट है, सो वी 0 इज इक्वल टू, वीसी इज इक्वल टू वी 0, सो वी 0 आ जाएगा आपका वीसीसी माइनस आईसी आरसी, बट आईसी इज वेरी हाई और आईसी इंटू आरसी इज नियर अबाउट वीसीसी, सो वी 0 आपका क्या हो जाएगा, 0। So, आपने वी आई कितना दिया था, 5 वोल्ट, ये प्रोसेस हो गया, वी जीरो कितना मिला, 0 वोल्ट। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट लॉजिक 0, सो व्हेन वी आई इज इक्वल टू 0 वोल्ट, अगर आप ये 0 वोल्ट इधर दोगे तो क्या बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, नहीं, बेस एमिटर क्या रहेगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। अगर ये रिवर्स बायस है, कलेक्टर बेस भी रिवर्स बायस है, दैट मीन ट्रांजिस्टर किधर ऑपरेट हो रहा है, कौन से मोड में ऑपरेट हो रहा है, या कौन से रीजन में ऑपरेट हो रहा है, सो वो ऑपरेट हो रहा है कट ऑफ में, सो ट्रांजिस्टर विल बी ऑफ। अगर ट्रांजिस्टर ऑफ है तो आईसी का वैल्यू क्या हो जाता है, आईसी का वैल्यू होता जाता है 0। देखो ना ये रीजन में देखो, ये आईसी, ये वाई एक्सिस है, सो इफ यू टॉक अबाउट दिस रीजन योर आईसी विल बी 0। और अगर आईसी 0 है तो ये केवीएल से आपको क्या मिलेगा, सो वीसीसी माइनस वीसीई इज इक्वल टू 0। वीसीई और वीओ वन एंड द सेम थिंग, सो वीसीसी माइनस वी 0 इज इक्वल टू 0 एंड वी 0 इज इक्वल टू वीसीसी। सो आपने अप्लाई क्या किया था, वी आई इज इक्वल टू 0 वोल्ट, आपको क्या मिल रहा है, वी 0 इज इक्वल टू वीसीसी। सो ये मैंने वर्किंग आपको बता दिया है, दिस टू इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग पर्पज। अभी आपको इसमें स्विचिंग पैरामीटर्स भी लिखने के रहते हैं, अगर शॉर्ट नोट आता है तो ये स्विचिंग पैरामीटर्स जरूर लिख देना, ये बहुत ही सिंपल है, इसके वजह से आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, ये स्विचिंग पैरामीटर्स ध्यान में रखने के लिए भी ईजी है। तो ये क्या है स्विचिंग पैरामीटर, तो एक्स एक्सिस है आपका टाइम और आपने ये सिग्नल अप्लाई किया है, सो ये आपका इनपुट वोल्टेज है, और ये जो ब्लू कलर का लाइन है वो बोल रहा है कि एट टी इज इक्वल टू 0 योर इनपुट सिग्नल इज रेजिंग फ्रॉम 0 टू हाई वोल्टेज। ओके, लॉजिक वन यू कैन से। सो जब भी आप ये इनपुट सिग्नल दे दोगे, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको आउटपुट में भी हाई वोल्टेज मिलेगा। हाउ द कलेक्टर करंट बिहेव्स, इट विल टेक सम टाइम टू इंक्रीज इट्स वैल्यू टू आईसी सेट। और ये क्यों होता है, सो ट्रांजिस्टर में जब भी आप बेस कलेक्टर एमिटर ये सब जंक्शन है तो उधर इंटरनल कैपेसिटेंस रहते हैं, एंड इंटरनल कैपेसिटेंस की वजह से ये थोड़ा लैग हो जाता है, बेसिकली इट कॉजेस अ डिले ओवर हियर। सो ये सिग्नल विल इंक्रीज लाइक दिस वन, इट विल बिकम मैक्सिमम। वंस यू मेक अगेन इनपुट सिग्नल 0, डोंट एक्सपेक्ट दैट द सिग्नल विल बिकम सडनली 0, और रादर द करंट विल बिकम 0, इट विल टेक सम टाइम टू बिकम 0। तो आपको ये सिग्नल तो मार्क करने का है, आप ऐसा मत मार्क कर दीजिए कि ये 0 हो गया है और फिर ये अभी भी इंक्रीज हो रहा है, ये आप कंसिडरेबली अमाउंट का सिलेक्ट कीजिए, यू कैन शो दैट द सिग्नल हैज रीच अप टू दिस पॉइंट, इट विल रिमेन अप टू 100%, और फिर आपका सिग्नल जब स्विच ऑफ हो गया, मतलब इनपुट सिग्नल जब ऑफ हो गया, देन आफ्टर सम टाइम द वैल्यू इज डिक्रीजिंग। इसके बाद आपको y एक्सिस पे कौन से वैल्यू मार्क करने के, तो 100%, 90% और 10%, ये वैल्यू ध्यान में रखें, 0, 10, 90 एंड 100, ये वैल्यूज आपने मार्क कर दिए। नाउ वन मोर थिंग यू कैन रिमेंबर, दैट इज नथिंग बट डी आर ओ
SFO, DRO, SFO, ये क्या है? D stands for delay time, R stands for rise time, and then you will have on time. तो ये डेफिनेशन कैसे होता है? डिले टाइम में क्या हो जाता है? इट इज द टाइम टेकन बाय द कलेक्टर करंट टू राइज फ्रॉम 0% टू 10%. इधर से इधर तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है? सो दैट इज द थिंग बट योर डिले टाइम. तो इधर आप ये एरो मार्क कर दीजिए एंड यू विल हैव, यू कैन शो TD ओवर हियर. राइज टाइम क्या है? सो राइज टाइम है 10% से लेके 90% तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? दैट इज नथिंग बट योर राइज टाइम. सो इट इज द टाइम टेकन बाय कलेक्टर करंट IC टू राइज फ्रॉम 10 to 90%. फिर आता है आपका ऑन टाइम. ऑन टाइम कैसा है? इट इज टाइम टेकन बाय कलेक्टर करंट टू रीच 90% ऑफ इट्स स्टेडी वैल्यू. सो ये दोनों को ऐड करो, TD प्लस TR, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट टी ऑन. सो ये टी ऑन आप इधर लिख सकते हैं. सो DRO हो गया. नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट SFO. SFO मीन्स स्टोरेज टाइम. अभी आपको डिफाइन करने का है स्टोरेज टाइम. सो वो क्या लिखा है? इट इज द टाइम टेकन बाय कलेक्टर करंट IC टू डिक्रीज 90% ऑफ इट्स स्टेडी वैल्यू जस्ट आफ्टर द ट्रांजिस्टर इज टर्न ऑफ. ये देखो, ये इधर टर्न ऑफ हो गया है. सो इसके लिए ये प्रोजेक्शन इधर लिया है. और फिर इधर तक, इधर से लेके इधर तक जो टाइम है दैट इज नथिंग बट स्टोरेज टाइम. क्योंकि आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में था, सैचुरेशन से आपको कट ऑफ जाने के लिए ये सब जो कैरियर्स है वो सब अलाइन होने चाहिए प्रॉपरली. इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा एंड दैट इज नथिंग बट द स्टोरेज टाइम. तो पहले तो हम लोग देखो इधर कैसे गए, 0 to 10, 10 to 90, एंड देन फ्रॉम 0 to 90. तो डिले, राइज, ऑन टाइम आ गया. अभी स्टोरेज टाइम, स्टोरेज टाइम कहाँ से होता है? सो 100 से 90% उतरने के लिए कितना टाइम लगता है? दैट इज नथिंग बट स्टोरेज टाइम. फिर आएगा फॉल टाइम. फॉल टाइम आएगा 90 से लेके 10%. इधर ये थोड़ा मिस्टेक है, दिस शुड बी 90% to 10%. सो ये हो गया आपका फॉल टाइम. एंड देन द ऑफ टाइम विल बी, इट इज द टाइम टेकन बाय कलेक्टर करंट टू डिक्रीज टू 10% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू. ये है स्टेडी स्टेट वैल्यू, इधर से 10% उतरने के लिए. सो बेसिकली ये TS प्लस TF आपका हो जाएगा ऑफ टाइम, टी ऑफ. सो ये जिंगल ध्यान में रखिए, DRO, SFO, डी डिले, आर राइज, ये राइज होगा, राइज और फॉल है इधर, ये डिले है इधर, स्टोरेज है, और इधर ऑन टाइम ऑफ टाइम. सो यू कैन इजिली रिमेंबर दी 6 स्विचिंग पैरामीटर्स. नाउ will take a design numerical based on transistor as switch. तो उन्होंने क्या दिया है? Determine RB and RC for the transistor inverter if saturation value of the collector current is equal to 10 milliampere. और VCC कितना दिया है? 10 volt दिया है. तो पहले हम लोग ये देखते हैं. तो ये आपको relation use करने का है. So IC sat is equal to क्या है फॉर्मूला? VCC बाय RC. IC सेट आपको दिया गया है. सो 10 मिली एम्पियर इज इक्वल टू VCC. VCC भी 10 है और RC यू हैव टू कैलकुलेट. आपको RB और RC डिटरमाइन करने के. तो RC इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 10 मिली एम्पियर हो जाएगा एंड दैट इज नथिंग बट 1 किलो ओम. तो ये हो गया एट सैचुरेशन. अभी ये सैचुरेशन में IC सेट बाय बीटा का क्या वैल्यू होता है? सो वो रहता है एक्चुअली बेस करंट. सो बीटा, बीटा इज नथिंग बट HFE. हाँ, अभी डोंट गेट कन्फ्यूज, ये HFE क्या है? HFE इज नथिंग बट बीटा. आगे हम लोग देखेंगे स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में कि ये HFE का मीनिंग बीटा रहता है. सो लेट अस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ IC सेट बाय बीटा. IC सेट कितना था? 10 मिली एम्पियर. और IB कितना है, सॉरी बीटा कितना है? 250. सो दिस टर्न्स अराउंड टू बी 40 माइक्रो एम्पियर. सो ये क्या बोल रहा है कि आपका एक्चुअल IB एक्चुअल शुड बी greater than IC sat by beta. That means IB should be greater than 40 micro ampere. So, अभी आपको IB select करना पड़ेगा. तो IB आप 50 भी select कर सकते हैं, 60 भी select कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है. हाँ, ऐसा मत कीजिए कि इसका डबल कर दीजिए, अराउंड 1.5 टाइम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये जनरल नॉमेनक्लेचर है. सो आई एम सिलेक्टिंग, सिलेक्ट IB इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ दिस वन. सो दैट टर्न्स अराउंड टू बी 60 माइक्रो एम्पियर. सो अपने IB सिलेक्ट किया. अभी IB का यूज क्या होगा? सो फॉर डिजाइनिंग ऑफ दिस बेस रेजिस्टेंस. सो यू अप्लाई KVL ओवर हियर. सो आई एम राइटिंग KVL टू बेस एमीटर लूप. तो इसमें कैसे रहेगा? VI माइनस IBRB माइनस VBE इज इक्वल टू 0. देखो इधर से ये करंट ऐसे फ्लो होने वाला है एंड दिस वन इज VBE. सो VI कितना है? तो VI देखो 10 वोल्ट. IB कितना है? 60 माइक्रो एम्पियर. RB यू हैव टू कैलकुलेट. VBE 0.7 इज इक्वल टू 0.
सो आरबी का आपको वैल्यू मिल जाएगा, आरबी टर्न्स अराउंड टू बी 155 किलो। लेकिन क्या आरबी, ये जो बेस रेजिस्टेंस 155 किलो ओम आया है, क्या ये मार्केट में अवेलेबल है क्या? दैट मीन्स ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू का है क्या? तो नहीं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू का नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू का नहीं है तो आपको आरबी स्टैंडर्ड वैल्यू सिलेक्ट करने का रहता है। और किधर ये सिलेक्ट करने का रहता है? तो ये लोअर साइड पे सिलेक्ट करने का रहता है। व्हाई यू आर नॉट सिलेक्टिंग ऑन हायर साइड? बिकॉज अगर आप हायर साइड पे सिलेक्ट करोगे तो क्या हो सकता है, ये आईबी का वैल्यू डिक्रीज हो सकता है एंड इट मे गेट रिड्यूस बियॉन्ड दिस वैल्यू, और फिर वो ट्रांजिस्टर आपका सेचुरेशन में नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको आरबी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो लोअर साइड पे सिलेक्ट करने का है। दैट मीन्स यू आर टेकिंग मोर प्रिकॉशन दैट आईबी वैल्यू विल बी मोर देन दिस वन। सो आरबी स्टैंडर्ड वैल्यू में सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके नज़दीक का लोअर स्टैंडर्ड वैल्यू है 150 किलो। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज के कौन से रेजिस्टेंसेस रहते हैं ये तो आपने लेबोरेटरी में देखे रहेंगे, या फिर हम लोग जब भी डिजाइन करेंगे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जो सेकेंड मॉड्यूल में है उधर हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यूज के रेजिस्टेंसेस देख लेंगे, या फिर आप जस्ट गूगल पे सर्च करो स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड देन यू विल गेट दिस थिंग। सो ये 150 किलो ओम का स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर आप ये वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो आईबी का क्या वैल्यू होता है वो भी देख लेते हैं। सो आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन। सो वी है मेरा 10 वोल्ट, आई बी मुझे कैलकुलेट करने का है जो अभी आने वाला है, आर बी मैंने 150 किलो ओम सिलेक्ट किया है, वी बी तो 0.7 है इज इक्वल टू 0। सो अभी मेरा आई बी का वैल्यू आ जाता है 62 माइक्रो एम्पियर। सो अभी ये पूरा डिजाइन हो गया है, आर बी का वैल्यू है 150 किलो ओम, आर सी का वैल्यू है 1 किलो ओम। ये इंश्योर कर रहा है कि मेरा आई बी कितना हो, 62 माइक्रो एम्पियर, विच इज ग्रेटर देन आई सी सैट बाय बीटा, जो वैल्यू कितना आया था 40 माइक्रो एम्पियर। सो आई कंप्लीटेड दिस डिजाइन। थोड़ा लंबा लेक्चर था लेकिन हम लोग ने बहुत सारी चीजें कवर की है। पहले तो हम लोग देखा कि ट्रांजिस्टर इन्वर्टर जैसे ऑपरेट होने वाला है, मतलब लॉजिक 1 दे दो तो लॉजिक 0 आ जाएगा। इधर देखो ये सिंबल बताया मैंने कि अगर ट्रांजिस्टर ऑन है तो करंट रहेगा आईसी सेट एंड इट विल एक्ट एज अ क्लोज स्विच, दैट मीन्स इट विल ऑफर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। और अगर आपने इनपुट 0 दे दिया है देन ट्रांजिस्टर विल ऑपरेट इन कट ऑफ रीजन, और कट ऑफ रीजन में तो ये लीकेज करंट रहता है आईसी हो जिसका वैल्यू बहुत ही कम रहता है, एंड ट्रांजिस्टर विल ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट ओम। फिर हम लोग देखा डिजाइनिंग पर्पज के लिए आपको सैचुरेशन या कट ऑफ में ऑपरेट करने का है एंड वी हैव डिराइव्ड दीज नेसेसरी इक्वेशंस फॉर डिजाइनिंग पर्पज। देन वी हैव सीन द स्विचिंग पैरामीटर्स, डी आर ओ एस एफ ओ ध्यान में रखो, डी डिले राइज ऑन टाइम स्टोरेज टाइम फॉल टाइम ऑफ टाइम, एंड यू कैन इजिली ड्रॉ दिस टाइप ऑफ ग्राफ एंड डिफाइन दीज पैरामीटर। और लास्ट में हम लोग ने एक न्यूमरिकल कवर किया है। न्यूमेरिकल में देखिए पहले आईसी सेट दिया जाएगा तो आरसी सिलेक्ट कीजिए, फिर आप बीटा से बेस करंट का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ये बेस करंट से नियर अबाउट 1.5 टाइम आप आईबी का वैल्यू सिलेक्ट कीजिए, ये आईबी का वैल्यू यूज करके आप आरबी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे? तो बाय अप्लाइंग केवीएल टू द बेस एमिटर लूप, आरबी का वैल्यू आ गया, अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू आया वेरी गुड, नहीं तो लोअर साइड पे स्टैंडर्ड वैल्यू सिलेक्ट कीजिए। एक बार लोअर साइड पे स्टैंडर्ड वैल्यू आ गया तो फिर से आईबी का वैल्यू कैलकुलेट करो एंड देन यू राइट डाउन दैट थिंग दैट फॉर दिस डिजाइनिंग माई आई बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, सॉरी आई बी इज ग्रेटर देन आई सी सेट बाई बीटा। तो ये सब लेक्चर अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक तो कीजिए, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही रहेगा, नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़िए भी और न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। थैंक यू।